आपको स्वागत है दोस्तों। आइए देखें कैसे रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी समोसा घर पर बनाया जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कुछ मसाला पाउडर, जैसे कि जीरा, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी और चाट मसाला पाउडर। उसके साथ चाहिए बॉयल्ड चिकन, अनियन, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च। सब्जी के स्थान पे पत्ता गोभी डाल रहे हैं। इसके साथ आप चाहे तो गाजर भी डाल सकते हैं। जिन बच्चों को सब्जी पसंद नहीं है उन्हें इस तरह खिलाए, कोई भी बच्चा शिकायत नहीं करेगा। सबसे पहले प्याज को भूनें, बार बार हिला के भूनना होगा। प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद अब डाल देते हैं अदरक और लहसुन। इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। अब हम डालेंगे चिकन। इसे हमने थोड़ा अदरक लहसुन हल्दी नमक के साथ बॉईल करके रखा था। बॉईल करने के बाद चिकन को हाथ से टुकड़े टुकड़े करना आसान हो जाता है। इसके बाद सारा मसाला पाउडर डाल देते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ी देर तलने के बाद इसमें नमक और सब्जी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। ये डाल दिया पत्ता गोभी। अगर आप गाजर डालना चाहते हैं तो उसे पहले डालें, क्योंकि उसे पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब अच्छे से मिक्स कर ले। इसे बार बार हिलाते रहे, ढक्कन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जी को तल के ड्राई करना है। इससे समोसा क्रिस्पी बनता है। इसमें थोड़ा और नमक चाहिए। इसके साथ बचा हुआ हरी मिर्च डाल देते हैं। थोड़ा सा चीनी डाल दिया, ये बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार है। अभी भी कुछ कसर बाकी है, इसे थोड़ा और ड्राई करना होगा। आप ऐसे समोसा फिलिंग और समोसा शीट बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब चाहे निकाल के बना ले। सब्जी लगभग हो चुका है, अब बाकी तैयारी करते हैं। 2 टीस्पून मैदा और पानी से लेई बना लेते हैं। इससे समोसे का शेप बरकरार रहेगा। वैसे बहुत सारे समोसा फोल्डिंग तकनीक है, लेकिन मैं यहाँ केवल 2 फोल्डिंग तरीका दिखाया है। आपको जो आसान लगे उसी से कोशिश करना। समोसा फोल्डिंग और समोसा शीट बनाने की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपसे उन वीडियो को देखने का निवेदन है। सब्जी भरने के बाद उंगली से हल्के से दबाए, इससे सब्जी कोने तक चला जाएगा।
ये दूसरा तरीका है जो सबसे आसान है। ऐसे शीट से बनाएंगे तो एक रोटी से चार समोसा बन जाएगा। सब्जी जितना बारीक काटेंगे उतना ही भरने में आसान होगी। आप ऐसे समोसा तैयार करके एयर टाइट बॉक्स में डाल के डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। अब मध्यम आंच में डीप फ्राई करें। एक साथ ज्यादा न डालें। पलट के दोनों तरफ समान रूप से फ्राई करें। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आप अभी भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को दबाने से हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। उम्मीद है आपसे फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।